Hi guys, this is NK Rao from Junior Study Channel. Don't mug up, try to build a fresh analogical study. जी हाँ, तो आपने थंबनेल देखकर समझ ही गया होगा कि RRB ने प्राइवेट जो टेस्ट है उसको अलाउ कर दिया है, यानी आपको अगर A1 मेडिकल अनफिट कर दिया गया है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपनी जांच करा के और 1000 रुपये फाइन पे करके आप कर सकते हैं, और आपका अगर जो क्लेम है अगर सही पाया गया तो आपको पैसा ये रिफंड कर दिया जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं नोटिफिकेशन। ARRB बिलासपुर के ऑफिशियल साइट पे आ जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ARRB बिलासपुर का ऑफिशियल साइट है, और यहाँ पे आइएगा तो आपको एक राइट कॉर्नर साइड में, ये मैं लैपटॉप पे बना रहा हूँ तो लैपटॉप फॉर्मेट में आपको राइट साइड कॉर्नर में ही आपको एक मिलेगा नोटिस कॉलम में चल रहा है। इसी कॉलम में आपको आज ही के डेट में एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि जो भी कैंडिडेट हैं A1 अनफिट जो कैटेगरी में पाए गए हैं वो क्या कर सकते हैं, मेडिकल क्लेम कर सकते हैं। जी तो देखिए यहाँ पे एक आ रहा है कि प्रोसीजर फॉर मेकिंग अपील अगेंस्ट मेडिकल अनफिट, यहाँ पे देखिए कर्सर में, जी ये आज ही के डेट में है, तो चलिए इसको क्लिक करते हैं तो एक नोटिस खुल रहा है। देखिए ARRB बिलासपुर का एक पेज दिया गया, इसमें यही बताया जाए कि जो 2018 में ALP टेक्नीशियन का जो वैकेंसी निकला था और उसमें जो आपको A1 मेडिकल अनफिट कर दिया गया था एक डॉक्टर के प्रेजेंस में, फिर से उसके बाद 2-3 डॉक्टर के प्रेजेंस में A1 पे बुलाया गया है, तो जिन बच्चों का A1 अनफिट कर दिया गया है और B1 फिट किया गया है वो बच्चे क्या कर सकते हैं 7 दिन के अंदर, यानी जबका आपका या जो भी ये सूचना पब्लिश हुआ है उसके 7 दिन के अंदर, या आपका जो मेडिकल जाँच होगा उसके 7 दिन में जो भी अवधि पहले हो रहा है उसमें क्या कर सकते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल से आप जांच करा सकते हैं और वहाँ का रिपोर्ट दिखा सकते हैं, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा 1000 रुपया पेज, जिससे अगर आपका अगर क्लेम जो है अगर रियल है जेन्युइन है तो आपको 1000 रुपया ही वापस कर दिया जाएगा। तो यही सब नोटिस में लिखा है, आप नोटिस को पूरा सब पढ़ लीजिएगा। तो बस यही जानकारी देना था, और यह बात बहुत अच्छी बात है कि रेलवे ने ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए। जी मेडिकल में भी आपको ही पता है कि मेडिकल जो पेमेंट था वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली जगह पे ही किया जा रहा है, और मेडिकल जो हॉस्पिटल्स है उसको भी इतने पहले ही बताया जा रहा है, और ये मेडिकल जो प्राइवेट सेक्टर से भी आप जाँच करा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल यानी जो भी निजी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से भी आप करा सकते हैं और मेडिकल अपील कर सकते हैं। जी तो ये सब गवर्नमेंट का देखा जाए तो बहुत अच्छी तरह अच्छा प्रोसेस है और सराहनीय है। थैंक यू सो मच। तो अपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।